सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली के बाद दक्षिण के दो राज्यों में हिंसा, कर्नाटक में पुलिस स्टेशन पर पथराव, 12 पुलिसकर्मी घायल, आंध्रा में दो समुदाय में झड़प, 15 घायल। दिल्ली के जहांगीरपुरा में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हुई हमले के बाद दक्षिण के दो राज्यों में हिंसा के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक के एक पुलिस थाने पर शनिवार रात भीड़ ने पथराव कर दिया, इसमें एक इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं आंध्र प्रदेश में भी हनुमान जयंती पर निकले जुलूस के दौरान हिंसा हो गई, इसमें 15 लोग घायल हो गए। कर्नाटक में सोशल मीडिया पोस्ट से भड़की हिंसा। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के ओलड हुबली पुलिस थाने पर शनिवार रात भीड़ ने पथराव कर दिया, इसमें एक इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर राम ने बताया कि एक व्यक्ति ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था। इस पर अन्य लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन लोग इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। उस व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्यवाही से असंतुष्ट बड़ी संख्या में लोग आधी रात के आसपास पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। उन्होंने थाने में पथराव और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। एक अस्पताल और हनुमान जी के मंदिर पर भी पथराव। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए हैं। अब स्थिति नियंत्रण में है और सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक अस्पताल और हनुमान मंदिर पर भी पथराव की खबर सामने आई है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते। नमस्कार।